हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू gohash.in। आम जनता के लिए राहत की खबर आ चुकी है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी कि MORTH ने अब एक नई एडवाइजरी इशू की है, जिसके अंदर अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी के रिलेटेड रहता है आपको हार्ड कॉपी में बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको ये कोई भी चीज़ें हार्ड कॉपी के थ्रू यानी पेपर फॉर्मेट में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बता सकते हैं सॉफ्ट फॉर्मेट में यानी कि डिजी लॉकर के अंदर या आपके एम परिवहन जो आपका ऐप होता है उसके अंदर आप इसे स्टोर करना है और डिपार्टमेंट या ट्रैफिक पुलिस या फिर RTA को दिखाना है। कई सारे ग्रीवियंस और कंप्लेंट्स और RTIs आने के बाद गवर्नमेंट अब मजबूर हो चुकी है और स्टेट गवर्नमेंट्स को यह हिदायत देती है कि अब डिजिटल फॉर्मेट या सॉफ्ट फॉर्मेट में आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। ये जो ट्वीट आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर खुले अल्फाजों में लिखा गया है कि MORTH इशू कर रहा है एडवाइजरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को सारे स्टेट्स के, जहां पर DL, RC अदर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो कि प्रेजेंट किया जाएगा डिजी लॉकर या एम परिवहन प्लेटफॉर्म से। याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप में होंगे इसे लीगली रिकॉग्नाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस हिसाब से ये होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट या ट्रैफिक पुलिस या RTO के पास भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। जस्ट वो आपका नंबर मार के देखेंगे और क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपने ये सही डॉक्यूमेंट दिखाई या नहीं। इसकी वजह से ये होगा कि वक्त बचेगा डिपार्टमेंट का भी और आपका भी। जो डेटाबेस स्टोर किया जा रहा है इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन बोर्ड IIB के अंदर, उसे भी अब सिंक किया जाएगा एम परिवहन ऐप के साथ, ताकि आपकी इंश्योरेंस की डिटेल्स भी आपके RC बुक और अदर डॉक्यूमेंट साथ अटैच हो जाएगी। अब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि ऐसे कई सारे मुद्दों पर और कई सारे इश्यूज पर एडवाइजरी गाइडलाइंस आ चुके हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये यूटिलाइज नहीं होते, ना ही इंप्लीमेंट हो जाते हैं। हाल ही में हमने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट रहने दो या ट्रैफिक पुलिस, 31 दिसंबर तक हर डॉक्यूमेंट को वो रिन्यू करने की जरूरत नहीं है और एक्सेप्ट करना है उनकी डेडलाइन को, लेकिन इस तरह से नहीं हो रहा। पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस ये कह रहा है कि नेशनल से गाइडलाइंस तो आ चुके हैं लेकिन स्टेट की गाइडलाइंस अब तक नहीं आई है। हो सकता है कि इस बार में भी ऐसा हो। हार्ड कॉपीज नहीं दिखाने का आपको नेशनल से ऑर्डर आ चुका है, क्या स्टेट गवर्नमेंट इसे अप्लाई करेगी या नहीं करेगी या आपके डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, इस पर सवाल बना रहेगा। लेकिन हम पूरी ग्राउंड लेवल कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए कि सच क्या है, और डिपार्टमेंट से हम बात भी करते रहेंगे ये कब इम्प्लीमेंट होगा और आम जनता को कब राहत मिलेगी ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखते रहिए gohash.in, हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, लाइक करें फेसबुक पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। gohash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट gohash.in एंड लेट्स गो फार।